गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टुडेज आई विल रीड द सेकंड चैप्टर ऑफ तारूज रिवार्ड. दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन. ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेज एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प. इस स्टोरी बच्चों एक लविंग सन की स्टोरी है जो अपने माता पिता की अनएक्सपेक्टेड विशेज को पूरा करने के लिए हार्ड वर्क करता है. अ यंग वुडकटर नेम तारो लिव्ड विथ हिज मदर एंड फादर ऑन ए लॉनली हिल साइड. एक यंग वुडकटर है जिसका नाम तारो है जो अपने माता पिता के साथ एक लॉनली हिल साइड पहाड़ी पर रहता है. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट. वह पूरे टाइम जंगल से लकड़ियों को काटता है. दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटल मनी. बहुत अधिक कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी बस बहुत कम ही पैसे को जमा कर पाता है. दिस मेड हिम सैड फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. इसकी वजह से वो हमेशा दुखी रहेगा. फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन ही वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. वह एक थॉटफुल बच्चा हमेशा अपने पेरेंट्स की इच्छाओं को पूरा करने के लिए सोचा करता है. वन इवनिंग वेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ दियर हट अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो. एक समय जब तारो एंड उसके पेरेंट्स थे कॉर्नर पर अपनी कुटिया के कॉर्नर पर बैठे हुए थे तभी एक स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो. एक आंधी सी स्टार्ट हुई. इट विसल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरी वन फेल्ट वेरी कोल्ड सडनली. इससे क्या हुआ, सभी कुछ क्रैक्स हो गए, उनका सब कुछ टूट गया, हट गया और जो हट थी वो भी डिस्ट्रॉय हो गई सडनली अचानक. तारोज फादर सैड ही आई विश आई हैड अ कप ऑफ शेक इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड. उसी समय उसके तारो के जो फादर थे उनकी इच्छा हुई और उन्होंने एक कप ऑफ शेक की डिमांड की. इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड. और उनकी ये इच्छा हुई कि ये जो शेक पीकर उनका जो हर्ट है वो गर्म हो जाएगा. दिस मेड तारो सैडर देन एवर फॉर द हर्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव. इससे तारो था बहुत दुखी हो गया क्योंकि जो हर्ट वार्मिंग शेक था वह बहुत ही एक्सपेंसिव था, यानी खर्चीला था, महंगा था. हाउ डू आई अर्न मोर मनी, उसने सोचा कि मैं अधिक पैसे कैसे अर्न करूँ, जमा करूँ. ही आस्क्ड हिमसेल्फ, ये उसने अपने आप स्वयं कहा. हाउ डू आई गेट अ लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर. मैं किस तरह से अपने ताजी के लिए ये छोटा सा शेक ला सकूँ. He decided to work harder than before. और उसने निश्चय किया कि मैं अब पहले से और अधिक कठिन परिश्रम. Next morning, Taro jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. अगली सुबह तारो ने अपने बेड पर जंप लगाई और वह खुशी से अब फॉरेस्ट की ओर चल दिया. ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ब्ड एंड सून ही वाज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट. और उसने इस जंगल में अधिक से अधिक लकड़ियों को काटा जब तक काटता रहा जब तक कि सूर्य उसके सिर के ऊपर नहीं आ गया. ही वाज सो वार्म, वह बहुत अधिक गर्म हो गया, बहुत गर्मी हो गई उसके अंदर. दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, इस वजह से उसने अपनी जैकेट को उतार दिया. हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज बैट विथ स्वेट. उसका जो फेस था बहुत ही ड्राई हो गया, सूखा हो गया और फेस वॉज बैट विथ स्वेट. और उसका जो पसीना था बहुत गीला हो गया, पसीने के कारण उसका शरीर गीला हो गया. माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट, उसने सोचा मैं अपने पिताजी के लिए इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज इट, मैं खाली अपने पिताजी के लिए इस तरह से ही उनको गर्म कर सकता हूँ. मेरे पास एक यही काम है जिसकी तरह से मेरे पिताजी अपने शरीर को गर्म रख सकते हैं. एंड विद डैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाई द शेक टू वार्म द ओल्ड मैंस बोन्स. इसलिए उसने अधिक से अधिक लकड़ियों को काटना स्टार्ट कर दिया और अधिक तेज़ गति के साथ, यही सोचकर कि मैं अब दोबारा इस शेक को अपने पापा को गर्म करने के शेक के द्वारा अपने पिताजी का हार्ट गर्म करने के लिए मैं अधिक से अधिक मेहनत करूँगा. देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग, अचानक उसने लकड़ियों को काटना स्टॉप कर दिया. व्हाट वाज दैट साउंड ही हियर्ड, उसने एक साउंड सुनी. वह किस क्या आवाज़ थी, कुड इट बी
Could it possibly be rushing water? शायद ये पानी के झरने की आवाज़ थी. तारो could not remember ever seeing or hearing rushing stream in that part of the forest. वह नहीं समझ सका कि ये जो वह देख रहा या सुन रहा है वो एक पानी के झरने की आवाज़ आ रही है उस जंगल में. He was thirsty, वह प्यासा था. The axe dropped out of his hand and he ran in the direction of the sound. उसने अपनी कुल्हाड़ी को वहीं रखा और अपने हाथ और हाथों से अपने उस एक्स को छोड़ा. एंड ही रेन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और उस साउंड के डायरेक्शन की ओर वो आगे बढ़ गया. तारो सा ये ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक. तारो ने देखा कि रॉक के पीछे एक बहुत सुंदर सा वाटरफॉल है जो छिपा हुआ है. नीली एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स. और वह उस प्लेस पर जाकर उसने देखा कि बहुत शांति से वह जो झरना है बह रहा है, और उसे देखकर ही उसने अपने हाथों का कप बनाया और उस पानी को अपने लिप्स पर लगाया. वॉज इट इट वाटर, क्या यह पानी है? और वॉज इट शेक, और क्या यह शेक है? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने उसको कई बार टेस्ट किया. एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस शेक इन स्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, ये वाकई में एक पानी के स्थान पर एक डिलीशियस शेक था. तारो क्विकली फील्ड द पिक्चर ही हैड विथ हिम एंड हरीड होम. तारो ने फटाफट अपना एक जो पिक्चर घड़ा था उसको भरा और जल्दी से शीघ्र ही अपने घर पहुँचा. द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विथ द सी, जो उसके बूढ़े माता पिता थे उन्होंने उस सीख को देखकर बहुत ही खुश हुए. आफ्टर ओनली वन शैलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर. इसके बाद वह इस छोटे से लिक्विड के द्वारा वो जो कांपना था, शरीर का कांपना था, उसको वो रोक सकता था. इसकी वजह से वो उस फ्लोर पर ही डांस स्टार्ट कर देता है. दैट आफ्टरनून आर नाइवर स्टॉप वाई फॉर ए विजिट. तारोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द सीक. दैट आफ्टरनून, उस दोपहर को जो नाइवर उसके पड़ोसी थे उनके आकर विजिट करने के लिए यानी उनसे मिलने के लिए आए, तो तारो के जो फादर थे उन्होंने बड़ी पोलाइटली से उनको एक कप ऑफ शेक ऑफर्ड किया. द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली, लेडी ने एक औरत ने उसको अच्छे से पिया. एंड थैंक द ओल्ड मैन, और उस बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया. देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, तब तारो ने सारी स्टोरी सारी कहानी उस मैजिक वाटरफॉल के बारे में सुना दी. थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक सी लेफ्ट इन ए हरी, और ऐसा ही सुनकर उस लेडी ने उसको उस डिलीशियस शेक के धन्यवाद देते हुए उसका घर छोड़ दिया. वाई नाइट फॉल सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल ब्लेस, उस रात्रि के बाद उस लेडी ने ये स्टोरी पूरे गाँव में फैला दी. That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the sake. In less than an hour the pitcher was empty. उस इवनिंग के बाद जो उस गांव के जितने भी लोग थे सभी एक एक करके तारो के घर पहुँचते और उस शेक को पीकर और मज़े लेते. इसके बाद एक घंटे के अंदर वो पिक्चर जो पिक्चर था वो सारा एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है. नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर. नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह तारो फिर से कठिन परिश्रम हार्ड स्टार्ट कर देता है पहले की अपेक्षा. ही कैरीड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड फॉर ही इंसिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल. जो तारो था उसने पहले से अपेक्षा इससे बड़ा लार्ज पिक्चर हाथ में ले लिया और वह उसी वाटरफॉल के पास गया. व्हेन ही रीच्ड इट, जब वह वहाँ गया, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नाइबर्स देयर, उसने वहाँ देखा कि वहाँ हमसे पहले वहाँ जितने भी पड़ोसी थे सब वहाँ पर मौजूद थे. देवर कैरिंग पिक्चर, सभी के हाथ में पिक्चर्स था, जार, बकेट्स, एनीथिंग दे, जो कुछ भी उनके पास था वो सब कुछ वहाँ लेकर खड़े हुए थे. कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक शेक, क्या वो इन सबको मैजिक शेक देंगे? देन वन ब्लेजर्स नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक.
सभी जो गांव के लोग थे वहां वहां पहुंच गए और उस वाटरफॉल से पीने के लिए वहां पर इकट्ठे हो गए। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, वो बार बार उसको पीते एंड देन शाउटेड, और चिल्लाते एंग्रीली वाटर, और वो गुस्से से चिल्लाते ये पानी है, नथिंग बट वाटर, ये सिर्फ पानी है और कुछ नहीं। अदर्स ऑल्सो ट्राइड, और जो दूसरे थे वो भी कोशिश करते, बट देयर वॉज नो शेक, ओनली कोल्ड वाटर, वहाँ पर कोई शेक नहीं था, केवल एक ठंडा पानी। वी हैव बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द ब्लेजर्स, वी आर इज तारो, सभी चिल्लाने लगे कि तारो कहाँ है, लेट अस ड्रॉन हिम इन हिज वाटरफॉल, बट तारो हैड बीन विस इनफ टू स्लिप बिहाइंड ए रॉक, देन ही सॉ हाउ थिंग वर गोइंग, ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, लेकिन जो तारो था उसने सब देखा तो वहाँ से वो साइड में हो गया और बिहाइंड वहीं से पीछे होकर देख रहा था। देन ही सॉ हाउ थिंग वर गोइंग, ही वॉज ऑन नो वेयर टू बी फाउंड, जो वह कुछ उसे दिखाई नहीं दे रहा था। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द ब्लेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाई वन, और वहाँ गुस्से से डिसअपॉइंटिंग जो ब्लेजर्स थे वो सभी लोग वन बाई वन करके वहाँ से चले गए। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हिडिंग प्लेस, अब तारो जो छुपा हुआ था वहाँ से बाहर आया। वॉज इट ट्रू, क्या यह सत्य था, ही वॉन्डर्ड, वह चंबित हुआ। वॉज द शेक अ ड्रीम, या वो जो शेक है वो एक सपना था। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज उसने छोटा सा थोड़ा सा लिक्विड अपने हाथों में लिया और अपनी इट वॉज द सेम फाइन शेक, ये बाकी फाइन शेक ही था। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस शेक, जो वाटरफॉल जो था उसने उसको एक डिलीशियस शेक ही दिया। टू एवरी वन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, जो यहाँ पर गांव वाले थे उन सभी को उसने केवल एक ठंडा पानी ही दिया। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीज द एम्परर ऑफ जापान, ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है तारो की और उसके मैजिक वाटरफॉल की, ये जो जापान के एम्परर थे उनके पास पहुंच गई। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवार्ड हिम विथ 20 पीसीस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, जापान के एम्परर ने उस यंग वुड कटर को रिवार्ड 20 पीसीस ऑफ गोल्ड रिवार्ड दिया, कि वह किसके लिए रिवार्ड दिया, जो अपने माता पिता के लिए काइंड हार्ट था, क्योंकि वह बहुत अधिक उनकी सेवा करता था। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, तारो के बाद ही उस शहर का नाम ब्यूटीफुल फाउंटेन के नाम से रख दिया गया। दिस सेड द एम्परर वाज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, जो एम्परर थे उन्होंने वहाँ के गांव के जितने ही बच्चे थे उनको साहस बढ़ाने के लिए उसकी तारों की उपमा दिया करते थे कि किस तरह से तुम्हें बच्चों तारों की तरह अपने पेरेंट्स की देखभाल करनी है और उनके प्रति काइंडफुल आपको रहना है।